घर से बाहर आई ईशा मालविया ने साधा है अभिषेक कुमार पर निशाना। वेल, अगर आप लोग हैं बिग बॉस के डेली व्यूअर तो ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि बीते हफ्ते आयशा खान और ईशा मालविया इविक्ट हो गई। ईशा के इविक्शन पर अभिषेक कुमार फफक फफक कर रोए। इतना ही नहीं, जब ईशा का सारा सामान स्टोर रूम में रखा जा रहा था तब अभिषेक ने चुपके से स्टोर रूम में जाकर ईशा का हेयर बैंड उठा लिया। जी हाँ, ईशा का हेयर बैंड उठाकर अभिषेक ने अपने बेड के ड्रॉवर में रख लिया। अभिषेक कुमार ईशा की एक निशानी अपने पास रखना चाहते थे। दूसरी तरफ जब इंटरव्यू में ईशा मालविया से इस पर सवाल किया गया तो ईशा मालविया ने कहा, रो तो रहा था वो, मैंने आते आते तक देखा था तब तो रो रहा था। ईशा ने कहा, मुझे लगता है कि वो रोना धोना जेन्युइन नहीं है, वो फुटेज के लिए कर रहा था ये सब। जी हाँ, ईशा ने अभिषेक को कहा फेक और फुटेज के लिए एक्टिंग करने वाला। जब ईशा से ये पूछा गया कि क्या आप अभिषेक से कुछ कहना चाहेंगी तो ईशा ने कहा कि वो वक्त निकल गया जब मैं उसे कुछ कहती, अब तो जो करना है करे, भाड़ में जाए। जी हाँ, ईशा ने अभिषेक को कह दिया है हिंदी में गेट लॉस्ट। और वहाँ अभिषेक कुमार मजनू बने जा रहे हैं, ईशा के हेयर बैंड को स्टोर रूम से उठा रहे हैं। अभिषेक, कब समझेंगे आप, कब समझेंगे कि ईशा आपसे अब जरा भी प्यार नहीं करती। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।